गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो स्टीयरिंग डैम्पर के ऊपर होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो स्टीयरिंग स्टेबलाइजर। गाइस जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, तो हम लोग आज जो है स्टीयरिंग स्टेबलाइजर जो है हम लोग के RC390 में इंस्टॉल करने वाले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी RC390 है और इसको जो है हम लोग कम्प्लीटली ट्रैक स्पेक बनाने वाले। मतलब ये गाड़ी का जो पूरा पावर है, जो पूरा पोटेंशियल है ट्रैक पे कितनी अच्छी से चल सकती है, वो पूरा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके लिए हम लोग एक चीज लगाने वाले जिसका नाम है स्टीयरिंग स्टेबलाइजर। जैसे हम लोग हाई स्पीड्स पे चलते हैं तो हमारा जो ऊपर और नीचे का एक्शन जो होता है कम्प्लीटली मोटरसाइकिल का, वो हमारे फोक्स के ऊपर हो जाता है। मैं जो है USD फोक्स है। बट गाइस ये सारे मोटरसाइकिल्स में एक ही प्रॉब्लम होता है, जो कि होता है टैंक स्लैपर। टैंक स्लैपर जो है एक बुरे सपने से कम नहीं है कोई भी बाइकर के लिए। ये मैंने भी फेस किया है, या फिर जितने भी बाइकर्स है जो राइड पे भी जाते हैं या फिर ट्रैक पे चलाते, उन लोगों को टैंक स्लैपर जरूर मिला होगा अपनी जिंदगी में एक बार। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे टैंक स्लैपर क्या होता है। हैंडल जो है हमारा हैंडल ऐसा 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 पूरा वॉबल हो रहा है। टैंक स्लैपर का एक मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो गाइस ये गाड़ी 150 प्लस अबाव हम लोग स्पीड्स में चला रहे हैं, इंडियन रोड्स था तो आपको मालूम है कि कैसे है। तो अगर हल्का सा भी समझो बम्प आता है या कुछ आता है तो हमारा जो हैंडल है थोड़ा सा ऐसा शेक होने लगता है। तो वो जब भी बम्प बहुत बड़ा हो जाता है या फिर स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा रहती है, वो हैंडल का शेक जो है बहुत बढ़ जाता है और ऐसे 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 हैंडल होने लगता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है गाइस। मोस्टली जो सुपर बाइकर्स है जैसे कि ZX10R हो गए, R1M हो गए, वो सब बाइक्स में जो है मोस्टली फ्रॉम द फैक्ट्री आपको स्टीयरिंग स्टेबलाइजर मिलता है। बट गाइस जैसे छोटी मोटरसाइकिल्स हो गई, जैसे 390 हो गई या फिर R3 हो गई या फिर निंजा 300 हो गई, उसमें थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पार्ट्स थोड़े अवेलेबल नहीं होते। बट गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग RC390 पे एक स्टीयरिंग स्टेबलाइजर लगाने वाले हैं। और गाइस अगर आपको हमारी NS पे भी स्टेबलाइजर देखना है तो जरूर मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ये NS के लिए मंगाया था कम से कम 1 से 1.5 साल पहले। अंदर आपको दो चीज़ें मिल जाती है, एक तो यहाँ पे इसका माउंट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टीयरिंग स्टेबलाइजर मिल जाता है। तो गाइस इसका ये जो एंड है ये हमारे फोक सेट में लगने वाला है। इस पर आप देख सकते हो एक ब्रैकेट मिला हुआ है हम लोग को, तो ब्रैकेट इसमें मैं लगा देता हूँ। ब्रैकेट हमारा जो है चैसी पे माउंट होने वाला है। हमारा जो रेसिंग सस्पेंशन रहता है जो हम लोग रेस ट्रैक्स में यूज करते हैं, तो उसमें कॉम्प्रेशन और रीबाउंड हम लोग सेट कर सकते हैं विद द क्लिकिंग साउंड। तो इसमें भी सेम आपको क्लिकिंग साउंड मिल जाता है हार्ड और सॉफ्ट के लिए। इसमें कम से कम 20 सेटिंग है हार्ड और सॉफ्ट के लिए, मतलब 20 क्लिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे साउंड आ गए क्लिक्स के। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अभी एकदम सॉफ्ट कर देता हूँ और इसको खींच के दिखा देता हूँ। सॉफ्ट में आप देख सकते हो इजीली अंदर बाहर जा रहा है, मतलब अभी हम लोग का स्टीयरिंग जो एकदम सॉफ्ट रहेगा। अभी मैंने इसको हार्ड कर दिया है काफी, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अभी फोर्स लगाना पड़ रहा है मेरे को अंदर बाहर करने के लिए। तो अभी हमारा स्टीयरिंग जो है स्टिफ हो जाता है। स्टेबलाइजर 2-3 टाइप्स के आते हैं। ये तो हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर है जिसमें हम लोग हमारे हिसाब से सॉफ्ट और हार्ड सेटिंग कर सकते हैं। बट कोई कोई रेस बाइक्स में ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर का ये मतलब है जैसे हम लोग स्लो चलेंगे तो हमारा हैंडल एकदम सॉफ्ट ही रहेगा, जैसे हम लोग फास्ट चलेंगे हैंडल जो है हल्का सा स्टिफ हो जाएगा। वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है बट वो इतना ज्यादा कोई यूज नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोग जो है ये मैनुअल वाला ही यूज करता है और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेबलाइजर्स है हमारे मोटरसाइकिल्स के लिए। सो गाइस मेन चीज आप यहाँ पे फेस करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग का कोई माउंट नहीं है। हम लोग को फोक सेट के लिए भी कुछ माउंट बनाना पड़ेगा और ये स्टीयरिंग स्टेबलाइजर के लिए भी माउंट बनाना पड़ेगा। वेल्डर के पास चले जाते हैं, गैस वेल्डर के पास, जो कि हम लोग को माउंट बना के दे देंगे। माउंट का जो मेजरमेंट है वो सारी चीज मैंने सोच के रखा हुआ है। चलते और देखते कि माउंट बन पाता है या नहीं बन पाता है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारी जो मोटरसाइकिल है उस फेयरिंग से लेके यहाँ तक पूरा खाली करना पड़ेगा। हम लोग जो एक माउंट है ना इस चेसी में वेल्ड करने वाले। RC के फेयरिंग्स को आपको खोलना नहीं आता तो मेरे पुराने वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको ये जो फेयरिंग है इसका कम्प्लीटली कैसे खोलना है। सारा चीज हम लोग ने निकाल दिया यहाँ पे, फ्यूल टैंक से लेके ये फ्यूज बॉक्स भी, और यहाँ पे आप देख सकते हो वायरिंग सब अलग कर दिया हम लोग ने ताकि यहाँ पे ज्यादा फ्री स्पेस रहे। यहाँ पे जो है कम्प्लीटली एक प्लेट वेल्ड करने वाले और यहाँ पे ब्रैकेट बनाने वाले। अपन ऊपर चाहिए ना अभी फिलहाल के लिए ये बोल्ड लगाएंगे, बाद में LNK वाला बोल्ड लगा दीजिए। थोड़ा क्रॉस चले गया अंकल, कुछ प्रॉब्लम नहीं इतना, ऐसा बोल रहे थोड़ा ऊपर ले ना, हैंडल भी देखना, थोड़ा ऊपर ले थोड़ा, हाँ बस अभी कर, हैंडल भी देखना है ना, हो नहीं ये टच नहीं होगा अंकल ऐसा।
यहाँ पे हम लोग ने एक पाइप लिया था, उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो एक नट है, इसमें नट वेल्डिंग किया हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग ने एक नट वेल्डिंग किया हुआ है। तो गाइस हम लोग पाइप को यहाँ पे रखने वाले और अंदर से जो है फिट करके लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग ऊपर भी एक बोर्ड लगा देंगे क्योंकि अंदर भी थ्रेडिंग हम लोग ने लगाया है। एक पार्ट जो है इसका ये कम्प्लीटली चैसी पे लगना चाहिए और एक पार्ट जो हम लोग इसके फोर्क के सेट पे लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्क के लिए मैंने ब्रैकेट बनाया जो फोर्क पे ऐसे डायरेक्टली लग जाएगा, फोर्क पे ऐसे डायरेक्टली ब्रैकेट लग जाएगा। सी क्लैंप जो ये वाला जो ब्रैकेट है हम लोग ने नॉर्मली हार्डवेयर से खरीदा है, जो घर पे हम लोग फैन लटकाते हैं जो ब्रैकेट यूज में आता है तो वो वाला ब्रैकेट, और इसमें हम लोग ने एक छोटा सा होल टाइप वेल्डिंग कर दिया। तो ये वेल्डिंग करने का इसका फिनिशिंग काफी ज्यादा एकदम खराब हो चुका है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे एक सैंड पेपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से घसेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्प्रे पेंट लिया हुआ है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से स्प्रे पेंट मार देंगे ब्लैक कलर का, और ये जो पार्ट है ये बाहर दिखने नहीं वाला है। तभी भी मैं ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट्स बनाता हूँ तो स्प्रे पेंट का जरूर यूज करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि रस्टिंग भी नहीं होता और ये जो पार्ट है काफी अच्छा दिखने भी लगता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का जो भी पार्ट है सारी चीज हम लोग ने अच्छी तरीके से मास्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को स्प्रे पेंट करना है तो दूसरे हम लोग के बॉडी पैनल्स पे नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ऑरेंज है तो इसको हम लोग ऑरेंज ही रखेंगे, और ये सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लैक कर देंगे। तो इसका पहला कोट हो चुका है अभी, तो इस पर हम लोग दो से तीन कोट मारेंगे ताकि एकदम स्ट्रांग पेंट रहे, मतलब बाद में हम लोग को कुछ करने की जरूरत ना पड़े इसमें। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने ब्रैकेट को ब्लैक कर दिया अच्छी तरीके से, और यहाँ पे एक होल है, ये बोल्ट के मदद से हम लोग इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग का जो सी क्लैंप था वो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलन की बोल्ट है और यहाँ पे एलन की बोल्ट है, यहाँ पे हम लोग ने थ्रेडिंग बनाया हुआ है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगा। हम लोग ने एक बहुत बड़ा बोल्ट दिया है, एलन की वाला बोल्ट है, ताकि जो हम लोग का पूरा सेटअप है वो अच्छा दिखे। ये दोनों एक दूसरे से टाइट हो जाएंगे एकदम प्रॉपरली। तो हम लोग ने लेफ्ट लिया, फिर हम लोग ने कंप्लीट राइट लिया, तो भी थोड़ा थोड़ा स्पेस हम लोग ने बचा के रखा हुआ है यहाँ के थोड़ा क्लियरेंस के लिए। तो आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, एकदम प्रॉपर हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग क्या कर लेते, सारा चीज जो हम लोग ने निकाला था यहाँ पे हम लोग पूरा पैक कर देते, क्योंकि अभी जो है कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका हो चुका है। हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया, जस्ट ये कवर लगाना बाकी है, तो कवर थोड़ा सा बीच में आ रहा है तो हल्का सा एक कट कर देंगे हम लोग इसको कवर पे, और अगर मैं हैंडल घुमा रहा हूं तो आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो हल्का सा हम लोग ने ये कटिंग किया हुआ है, ये कटिंग को बाद में हम लोग थोड़ा सा सैंड पेपर से घस के इसको लेवल कर देंगे। तो स्टेबलाइजर का लुक ऐसा कुछ आ रहा है, और आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूँ मैं भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको सॉफ्ट सेटिंग्स पे ही रखता हूँ, तो आप देख सकते हो सॉफ्ट है काफ़ी, बट तो भी इसका जो सॉफ्ट है नॉर्मल एक पहला जो सेटिंग है वही काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। ये स्टेबलाइजर जो है अभी मैं आपको स्लो स्पीड्स में तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये हाई स्पीड वाली चीज है। मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये वोबल से हम लोग को बहुत ज्यादा बचाता है और हैंडलिंग जो है अच्छा हो जाता है। बट गाइस इन केस अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कहीं रॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ और मेरे को वैसा जगह मिलता है 150-160 के स्पीड्स में जाने के लिए, तो जरूर मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।